नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ के विषय में भी कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहला फिंगर से स्टार्ट करता हूँ, तो फिंगर की जो स्ट्रेंथ है कुल मिला के मुझे ठीक लग रहा है। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। थोड़ा सा फिंगर के अनुसार फिंगर जो छोटी होती है, तो देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। ज़्यादा एनालिटिकल मतलब नहीं होते, मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा एनालाइज नहीं करते, और बहुत जल्दी मतलब इनके अंदर एक अजीब सपन होता है कि बिना सोचे समझे बहुत सारी डिसीजन ये अपने लाइफ में ले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा कारनामा इसी कारण से कर जाते हैं कि जिसमें लोग सोचते रह जाते हैं और ये अपना काम कर जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है कुल मिला के मेरे हिसाब से सही होता है, क्योंकि इस कारण से ऐसे जो लोग हैं रुकते नहीं हैं किसी भी काम में, जैसे मन में आया बस कर देना है, ऐसा इनका व्यक्तित्व रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे फिंगर की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा योग दिख रहा है मुझे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल मिला के दोनों की जो लेंथ है वो तकरीबन सही है, मतलब तर्जनी मतलब फर्स्ट फिंगर की और थर्ड अपोलो फिंगर की। थोड़ा सा यहाँ पे तर्जनी जो है ऊंचा है, तो इनके अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और मुझे गुरु माउंट भी इनके हाथ में अच्छा दिख रहा है। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करूँ लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर का भी जो लेंथ है वो कुल मिला के ठीक है, फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी मुझे वीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर का निशान होती है, मतलब मिलनसार व्यक्ति है ये, लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी कम है, लेकिन काम निकलवाने में ऐसे जो लोग हैं वो माहिर होते हैं। इसी प्रकार से लाइफ लाइन के विषय में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लाइफ में यहाँ पर भी प्रॉब्लम साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो फ्लो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, उलझा हुआ मामला है, थोड़ा जाली जैसा बन रहा है ऊपर नीचे की ओर। ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से, मैं इन रेखाओं को मिटारता हूँ, आप खुद ब खुद पाएंगे कि इस प्रकार से जो ये है, या फिर इस प्रकार से जब भी लाइफ लाइन पे जाला बनता है, जैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, या ड्रिप बन रहा है, या क्रॉस बनता हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि वो जो समय है वो सही नहीं है। तो इनका भी मैं यही कहूँगा कि इनका भी जो है स्टार्टिंग लाइफ मुझे सही नहीं दिख रहा है, करीबन 15 से 18 साल की उम्र तक। इसी प्रकार और मैं चर्चा करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से रेखा जो है अंदर की ओर मुड़ गई है और एक रेखा बाहर की ओर गई है। तो जब भी लाइफ लाइन इस प्रकार से मुड़ जाता है शुक्र के तरफ, तो देखा गया कि ऐसा इंसान परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला होता है, और परिवार के साथ बहुत अच्छा खासा ऐसे लोगों का अटैचमेंट होता है एक प्रकार का। इसीलिए ये लोग फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो इस प्रकार का योग बन रहा है यहाँ पे, जो एक रेखा बाहर गई है, ये फॉरेन टूर चांसेस बहुत अच्छा बना रहा है इनका। विदेश यात्रा रहेगा, लेकिन सेटलमेंट मतलब वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर की ओर जो ये रेखा आई है ये बता रही है कि ये अपने जन्मभूमि में ही ज़्यादा रहेंगे। इसी प्रकार से इन कुछ रेखा आकर के जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो तकरीबन इनका भी जो मुझे एज दिख रहा है वो 92 समथिंग या उससे प्लस है, जो कि बहुत अच्छी उम्र है इस कलयुग में। और इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा आप सभी से कि ये देखिए, आप कुछ स्ट्रेस लाइन यहाँ पर मौजूद है जो शुक्र के तरफ से निकलते हुए लाइफ लाइन को कट कर रही है, और स्टार्टिंग लाइफ में तो प्रॉब्लम मौजूद है ही। तो ये है कि शुरुआती जीवन में इनको दिक्कत परेशानी ज़्यादा रहा होगा, और एक जो दिक्कत और इनको यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है वो 28 से लेकर के 30 एज के समथिंग में कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आएगा वो भी जो है 35 to 38 समथिंग एज में है। लेकिन इसमें बेस्ट बात यह है कि लाइफ लाइन का फ्लो इसमें टूटा या खराब नहीं है, तो उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आता है, तो इनके जीवन में भी वहीं तक है। और 40 मतलब 38 समथिंग एज के बाद से जो लाइफ का फ्लो है हाथ में बहुत बेहतरीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुल मिला के, इस प्रकार से जो योग बन रहा है। तो मैं इनको यही प्रिडिक्ट करूंगा कि 38 मीन्स 40 एज के बाद से कोई ज़्यादा इनको दिक्कत परेशानी रहने वाला नहीं है, और कुछ प्रोग्रेस लाइन भी मौजूद है यहाँ पर। क्लियरली मतलब क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से
ऊपर की ओर जो रेखाएं गई हैं ये सक्सेस लाइन है, अपॉर्चुनिटी लाइन है, तो इनको जीवन में लगातार अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ना कुछ प्रोग्रेस या भाग्य उन्नति हमेशा होते रहेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं बात करूँ इनके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन जो है जीवन रेखा से सटे हुए ही निकल रहा है और नीचे की तरफ झुक गया जो चंद्रमा की ओर गया है, ये चंद्रमा का एरिया है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर चल जाता है या झुक जाता है तो ऐसे लोगों में इमेजिनेशन पावर ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये लोग जो है इमेजिनेशन पावर जब ज़्यादा हो जाती है या फिर लोग जब ज़्यादा सोचने लग जाता है तो देखा गया है कि दिन में भी मतलब जो है सपने देखने लग जाते हैं ऐसे लोग, या कह सकते हैं कि ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, मेन बात ये है। इसी प्रकार से हर्ट लाइन के विषय में बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से रेखा चलते हुए इस तरफ मुड़ गया है, कुछ इस प्रकार से गया है, तो ये विष्णु सिंबल हो गया यहाँ पर। देखिए जब भी इस प्रकार से हर्ट लाइन जो है गुरु पर्वत पे जाती है तो देखा गया कि ऐसा इंसान दिल से ज़्यादा सोचने वाला होता है, और ये जो दिल से सोचता है वो उसका जो नेचर है ना वो इमोशनल हो जाता है। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि रेखाएं भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन यही है कि ऐसे जो लोग हैं इमोशनल बहुत होते हैं, और कुछ बचपन की ऐसी घटनाएं इनके साथ हुई रहती है कि इन्हें लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती हैं। कुछ कुछ मतलब बातें ऐसे लोगों में देखा गया है कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो इनको लाइफ टाइम याद रहती हैं, और इसी कारण से इनका इमोशनल नेचर बहुत हो जाता है। कभी भी ये बिल्कुल हंसते खेलते मिलेंगे, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ही इमोशनल या भावुक मिलेंगे, या कुछ अलग प्रकार के इस प्रकार का जो है नेचर हो जाता है। लोगों को समझ पाना ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक रेखा जो है निकल के मतलब मंगल से निकल के इस प्रकार से जुड़ गया है, तो ये बता रहा है कि मंगल जो है सही नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब गुस्सेल स्वभाव इनका हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इरिटेशन ज़्यादा होने लगता है। शुरुआती ज़िंदगी में भी जैसे इनके लाइफ लाइन से ही दिख गया था, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं कि जो इनको गुस्सेल बना देती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि ये इन लोगों के दिल पे बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए इनका जो स्वभाव है थोड़ा गुस्सेल भी होता है। और इसी प्रकार से अब जितने भी पर्वत हैं उसके बारे में बताता हूँ, तो गुरु से शुरू करता हूँ। गुरु पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन गई है, और कुछ इस प्रकार से रेखा भी है, और एक इस प्रकार से रिंग भी बन रहा है। तो कुल मिला के इनका जो मुझे गुरु दिख रहा है वो अच्छा है, प्रोग्रेस लाइन है, मतलब निरंतर प्रोग्रेस रहेगा। गुरु अच्छा है, धार्मिक इनको बनाएगा खूब, एक धर्म के प्रति इनका बहुत मान सम्मान रहेगा इनका जो भी है, और यह है कि एक लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होगी, जैसा कि आप फिंगर से भी देख सकते हैं कि फिंगर भी जो है थोड़ी ज़्यादा लंबाई लिए हुए है अपोलो फिंगर से, तो लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है लीडर जैसी चीज़ों में जाएं, जैसे टीचिंग हो गया, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, या फिर मैनेजर बन सकते हैं, या किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद तक जा सकते हैं। खासकर आप जैसे लोगों को टीचिंग में बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, और टीचिंग के माध्यम से ही दूर दूर तक आप जैसे लोगों की कीर्ति फैलती है। तो अगर देखिए टीचिंग कोई एक ही प्रकार का नहीं है, जो भी आप में काबिलियत है उसके प्रति आप टीचिंग करें, बहुत आपको जो है अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। शनि के विषय में चर्चा करूँ तो शनि पे आप देख सकते हैं कि कुछ बीच में से रेखा निकल के कुछ इस प्रकार से गई हुई है और इस प्रकार से जो है बट गई है। तो देखिए जब भी शनि पे एक से ज़्यादा रेखा होती है तो देखा गया कि ऐसा इंसान थोड़ा हड़बड़ी वाला रहता हो, जिस जो कि हर काम मतलब जो कि एक से ज़्यादा कामों को एक टाइम पे करना पसंद करता है। तो इसी कारण से ये कुल मिला के अच्छी बात नहीं है कि दो तीन कामों को एक ही टाइम पे करना, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ऐसे लोगों का जो इनकम ऑफ सोर्स रहता है वो एक से ज़्यादा सोर्स से इनका जो है इनकम होता है, तो धन जो है कुल मिला के अच्छा है इन पे। फिर यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ सूर्य के विषय में, तो सूर्य पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं और कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं इस प्रकार से। तो सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, इनको सूर्य के उपाय करने चाहिए, फेम जो है बहुत लेट मिलेगा, और सूर्य जो है इनका बहुत कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जो छोटी मोटी टूटी रेखाएं भी हैं ये बहुत कमज़ोर कर देती हैं।
सूर्य जी को जल डालना चाहिए या मंदिर में जाकर के ऐसे लोगों को जो है सरसों तेल हो गया, गुड़ हो गया, दाल हो गया, धार्मिक स्थलों पे जाकर के ये सब चीज़ें, या फिर नारियल का खोपरा हो गया, मतलब नारियल का पाउडर, इन सब चीज़ों को जो है दान करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं चर्चा करूँ मरकरी का, तो आप देख सकते हैं मरकरी पे कि इस प्रकार से बहुत अच्छी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति है बिजनेस में जा सकता है, बहुत अच्छा इसको बिजनेस में ऐसे लोगों को सक्सेस मिलता है। ये है कि ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये इस बात का प्रतीक होती है कि ऐसा जो व्यक्ति है बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का है, ऐसे लोगों से लोग बड़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं, या फिर ये जो लोग हैं, मतलब जिनका मैं हैंड एनालाइज कर रहा हूँ, ऐसे जो लोग हैं लोगों को बांधे रखने की काबिलियत ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है, जिस कारण लोग, मतलब जो पीपल हैं, इनको खूब पसंद करते हैं, और ये जो चीज़ है ये बिजनेस में बड़ी बेनिफिशियल साबित होती है। तो इनके हाथ में बिजनेस मुझे बहुत अच्छा दिखा, और अगर ये टीचिंग में बिजनेस कर लें, टीचिंग में मतलब कहीं टीचर बन जाए या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, दोनों काम एक साथ चार चांद लग जाएंगे अगर ये कर ले तो। इसी प्रकार से और यहाँ पर मैं चर्चा करूँ आपसे मंगल के विषय में, तो जो नेगेटिव मार्क्स है वो सही में भी बहुत ज़्यादा इनके हाथ में नेगेटिव है, बहुत यहाँ पे दिक्कत परेशानी दिया है इनको स्टार्टिंग लाइफ में, और एक रेखा निकल के इस प्रकार से हृदय रेखा से जुड़ गई है, जो कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा ला दिया है। तो इनको मंगल के खासकर उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म के हैं तो हनुमान जी की पूजा करने से अच्छा, हनुमान चालीसा करने से अच्छा, मतलब कोई रामबाण है ही नहीं इतना अच्छा, मतलब उनकी सेवा करिए, बंदरों की सेवा खासकर करिए, मतलब उनको गुड़ खिलाइए या फिर जो भी आप खिला सकते हैं सक्षम हो, बंदरों की सेवा करनी चाहिए, गुड़ वगैरह, इन सब, गुड़ हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, इनको गायों को खिला दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं दान कर दीजिए। ये सब कर्म प्रधान, में जो भी उपाय देता हूँ सब कर्म प्रधान है, जो प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो बहुत सही है, और दूसरे का भी भला हो रहा है, और आपको भी नेकी और पुण्य मिल रहा है। तो मंगल के ये उपाय करने से बहुत जल्दी सब सही होगा। और इसी प्रकार से शुक्र के विषय में बात करें, तो शुक्र आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वरीज लाइन है, मतलब चिंता की रेखाएं हैं, और जब भी इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसा इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है, और उसका दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे भी हमको मिला कि ये जो इंसान है इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है। तो इमेजिनेशन मीन्स ऐसे इंसान जो है सोचते ज़्यादा है, तो वो इसका सीधा सीधा असर जो है शुक्र पे भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आड़ी रेखाएं बहुत है, तो ऐसे जो इंसान है सोचता ज़्यादा है, बात का जो है बतंगड़ बना देते हैं, राय का पहाड़ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को इतना उसमें घुस जाते हैं कि एक बड़ी कहानी बना देते हैं। इसी कारण से ज़िंदगी में तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, और रिलेशन जो है बिगड़ने लग जाते हैं। यही है कि सोचिए कम, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी शुक्र कुल मिला के अच्छा है, उभरा हुआ है, और इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं मुझे यहाँ पे खूब देखने को मिली है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है, लग्जीरियस लाइफ रहेगा, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आएगी। तो यही है कि सोचना ज़रा कम करें। केतु के विषय में चर्चा करूँ तो केतु पे इस प्रकार से कुछ बंटवारा हुआ लेकिन ट्रायंगल नहीं बना, तो ठीक है, कुल मिला के केतु इनका ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है फिश जैसा साइन भी नहीं है, और इस प्रकार से अगर वाय का भी साइन हो तो देखा जाए कि ऐसा इंसान धार्मिक बहुत अच्छा हो, मतलब धार्मिक होता है, और इनका जो केतु है वो अच्छा है, तो इनको अचानक से बहुत अच्छा अच्छा उपलब्धि दिला, मतलब इनको जो है दिलाएगा। और यहाँ पर मैं चंद्र के विषय में चर्चा करूँ तो चंद्र पे भी कुछ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रेखाएं हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग लाइन्स हैं ये सब, A to Z, इस प्रकार से चंद्र से भी जो है रेखा निकली है लक। तो जब भी, मेन बात यह है कि इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं ये विदेश यात्रा ट्रेवलिंग लाइन से, जो कि यहाँ केतु पे भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लाइफ लाइन चल रही है और इस प्रकार से बाहर निकल गई है, तो विदेश यात्रा का योग अच्छा खासा है इनके हाथ में। और एक बात और गौर करने लायक है कि इस प्रकार से मून लक निकल रहा है, थोड़ा सा धुंधला है इस प्लेस पर, लेकिन कुल मिला के ठीक है। तो जिस किसी के भी हाथ में मून लक होता है, ऐसे लोगों को वुमेन लक होता है इनके लाइफ में, मतलब लड़कियों से या महिलाओं से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अब वो चाहे इनकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो,
इसीलिए इनकी इनकी माँ से अच्छा लगाव होगा और उनका सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन होगा और शादी के बाद भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने का योग है, मतलब प्रोग्रेस जो है बन रहा है। इसी प्रकार से कुछ रेखाएं जो हैं इस प्रकार से यहाँ पर गई है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है मनी ट्रायंगल प्रॉपरली नहीं बन पाया क्योंकि इस प्रकार से रेखा यहाँ मौजूद जरूर है, पर यहाँ पर ये जो मून लक है थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया है, तो ये जो गैप पड़ गया इस कारण से मनी तो कुल मिला के अच्छा आएगा इनके पास, पर बचेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो मैं इनको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी अच्छा खासा धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, बचेगा भी, रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। और इसी प्रकार से केतु की बात करते हुए मैं अब राहु के विषय में चर्चा करता हूँ। तो राहु जो है देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा जो है उभरा हुआ है, बाकी जितने भी ग्रह हैं थोड़ा सा उभरा हुआ है, लेकिन कुल मिला के ठीक है, कोई यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो राहु भी इनका कुल मिला के ठीक है, और तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। मुझसे अगर कुछ बातें छूट गई हों तो ज़रूर मुझे बताएं। यहाँ पे योग का साइन भी जो है प्रॉपर नहीं बन पाया है, तो तब भी इस प्रकार से जो थोड़ा सा भी गैप बनता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो भी देखा गया कि ऐसे लोग बहुत अच्छा खासा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा होता है इन लोगों के पास।